नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, मैं हूं रजत। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में हम सभी का स्वागत है। कल CY16 के इरादे के तो हम नए हाई तो बंद हुए हैं, 8700 के ऊपर 8723 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए। शायद इसे नीचे आना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे एक इवेंट का इंतजार। जी हाँ, आज ट्रेड पॉलिसी आखिरकार रघुराम राजन की शायद संभावित ही आखिरी पॉलिसी है उनकी, क्योंकि इस पद को वो इसके बाद अलविदा कह देंगे। लेकिन डेफिनेटली है, लेकिन वो इस आखिरी पॉलिसी में क्या करेंगे बाजार देखेगा। कम से कम ब्याज दरें नहीं घटे, लेकिन घटने का संकेत एक बहुत स्ट्रांग मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो। आइए देखते हैं एक और चीज़ अच्छी जो इस वक्त कर रही है, वो है SGX निफ्टी। आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 5 अंक ऊपर है। 5 अंक ऊपर का मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस हिला रही है। और स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, चाहे वो FIs के हों, चाहे DIs के हों, चाहे ऑप्शंस के आंकड़े हों, चाहे पुट कॉल के आंकड़े हों, सब बेहद बेहतर है। बस एक ये है कि पॉलिसी में कुछ भाषा शैली जो है वो अच्छी हो। आइए देखते हैं इन्हीं संभावनाओं के बीच में हम आज के अप्रोच लेकर चलेंगे निफ्टी पर। देखिए, पॉलिसी से पहले बाजार पर 8660 और 8720 का अगर आप देखें दायरा संभव है। और पॉलिसी से पहले अगर आप देखें कल निफ्टी बैंक में, जरा आप देखें जो बैकफुट पैनिक टेंडेंसी थी वो दिखाई दी थी। पॉलिसी के दौरान निफ्टी बैंक पर लगभग 18800 का एक SL रखें। निफ्टी के लिए 8580-8650 याद रखिए, ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा। पॉलिसी अच्छी रही तो याद रखिए 8780 तक की भी तेजी संभव है, और उसके बाद नए टारगेट्स की बात करेंगे। लेकिन 8800 की कॉल आप अगर 8650 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक BHL, सिप्ला, M&M, डॉक्टर रेड्डीज पर रखें नजर। डॉक्टर रेड्डीज स्पेशली आप देखें पुल बैक मोड में आ चुका है, और 235 के ऊपर अगर SBI निकला तो ये एक ऐसा स्टॉक होगा जिसको आज अपने रडार पर रखिएगा। अजत जी, बिल्कुल, ऊपर से जो एशियन मार्केट संकेत मिल रहे हैं आज के मार्केट पे, एसजेक्स निफ्टी तो 5 पॉइंट ऊपर है ही, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले है वो माइनरली पॉजिटिव। निके में 18 पॉइंट्स के आसपास का गेन है। शंघाई ऊपर है, फ्लैटिश रुझान कहूंगा। हैंगसेंग को छोड़ने बाकी सभी मार्केट्स माइल्डली पॉजिटिव डायरेक्शन में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेट टाइम्स कॉस्पी ताइवान हल्की घबरत के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्यूज थोड़े से सपोर्टिव हैं। अविनाश गोरखसर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए, और किरण जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं तकनीकी रूप से बाजार को आंकने के लिए। लेकिन अविनाश, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। बहुत स्ट्रांग स्ट्रेच ऑलरेडी देख चुके हैं, लोकसभा में GST बिल को, संशोधन बिल को मंजूरी मिली, इसका अब कुछ आप इम्पैक्ट देखते हैं इंडियन मार्केट्स पे, या फिर इट्स ऑलरेडी फैक्टर इन द मार्केट्स? नहीं, मुझे लग रहा है रजत, मार्केट्स में ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑलरेडी हम डिस्काउंट कर चुके हैं। मेरे ख्याल से नतीजों का सीज़न पे भी ख़त्म हो रहा है। मार्केट्स अभी शायद आज की पॉलिसी के कमेंट्री को देखेगी, क्योंकि मोटा मोटी आई थिंक यही लग रहा है कि रेट कट नहीं आएगा। बट जिस प्रकार का मानसून का प्रोग्रेस है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली सेप्टेम्बर की जो पॉलिसी होगी वहाँ पर रेट कट्स हो गए। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा रहेगा, और क्लियरली इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट एक दायरे में रहना चाहिए। किरण, टेक्निकली आप कैसे देख रहे हैं इस बाजार को? निफ्टी अगर आप देखें कल चलने को तैयार था, हालांकि निफ्टी बैंक इवेंट के चलते अगर आप देखें एक क्रिटिकल लेवल से, यानी 19,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा सा पीछे आ गया। अपने क्लाइंट्स को आज आपने इस सेशन के लिए, क्रिटिकल सेशन के लिए, मेक और ब्रेक सेशन के लिए क्या गाइडेंस दिया? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, अब फ्राइडे को जो मूव हमने देखी वो बहुत शानदार मूव थी। उसके बाद कल की जो मूव थी वो बिल्कुल रेंज बाउंड मूव थी, सुस्त कारोबार दिखाई दिया, क्योंकि आज क्रेडिट पॉलिसी है। मेरा मानना है कि क्रेडिट पॉलिसी के बाद अगर 8725 के ऊपर निफ्टी चलता है तो वापस एक बार मोमेंटम हावी होता नजर आएगा, और हम इजिली करीबन 8790 तक चलते नजर आएंगे। उधर से और भी अपसाइड है, पर मेरा पहला टारगेट वही होगा। इस ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस 8690 होगा, जो कि करीबन 25-30 पॉइंट रहेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी फेवरेबल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने इस रैली में वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया है। इस रैली में ऑटो, मेटल्स, फाइनेंशियल्स ने पार्टिसिपेट किया है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ बन के खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर ये बैंक निफ्टी जो साइडवेज जोन में है वो अगर निकलता है तो एक बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। 19,000 जो आपने कहा, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो मेरा टारगेट 19,270 रहेगा आज के लिए। लेकिन वेंद्र, कल फिर से अगर FIs के स्टैटिस्टिक्स देखें, कैश मार्केट पे 1,156 करोड़ की खरीदारी है कैश मार्केट पे, फ्लैट बाजार पे, वायदा कारोबार से क्या संकेत? देखिए रजत, कल का सेशन ठीक ठाक था, अच्छा सेशन था। CY16 के नए हाई से बंद हुए। देखिए FIs के वाले कैश मार्केट समरी समझाता हूँ। 1156 करोड़ रुपये के कैश कमिटमेंट है, इसमें कोई राय नहीं है कि इन मार्केट्स को लेकर। देखिए, पहली चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि वो नहीं सोचते कि इंडियन मार्केट्स
उनके ओपिनियन के मुताबिक वो ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में है, वो अभी भी यहाँ पर रिवॉर्ड तलाश रहे हैं, और इसीलिए अगर आप देखें 646 करोड़ रुपए की उनके कमिटमेंट्स आए हैं वायदा कारोबार में। यानी अगर मैं दोनों फिगर को मिला लूं तो कैश और डेरिवेटिव्स में नेट जो अगर आप देखें मनी उन्होंने झोंकी है लगभग रजत 1800 करोड़ रुपए के आसपास। अब आइए जरा आप FIIs के वायदा कारोबार की पोर्शंस को देखिए। इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी बैंक निफ्टी 404 करोड़ रुपए की खरीदारी, नो शॉर्ट्स। इंडेक्स ऑप्शंस 838 करोड़ रुपए की खरीदारी, और अगर आप इनके स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ पे 612 करोड़ की बिकवाली। मैं आपको ना FIIs के डेटा को थोड़ा सा एक बारीकी से समझाता हूँ एग्जैक्टली FIIs ने क्या किया। देखिए FIIs ने अपने जो फ्यूचर्स के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको बढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा निफ्टी और निफ्टी बैंक के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ाया है। FIIs ने थोड़ी सी आउट ऑफ मनी यानी 8900 की कॉल थोड़ी बहुत बेची है, क्योंकि उनके जो कॉल लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप देखें ये थोड़े से अगर आप देखें घटे हैं, और कॉल शॉर्ट उनकी बड़ी है यानी उन्होंने डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स को शॉर्ट किया है। याद रखिए हायर कॉल्स 8900 पर, याद रखिए उनके जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पुट के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वो घटे हैं, और उनके टोटल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काफी बड़े हैं। देखिए मैं आपको FIIs के आंकड़े इसलिए समझाता हूं बारीकी से क्योंकि अभी ये बाजार FIIs की धुन पे ही चल रहा है और कोई धुन बाजार को समझ में आने रही है, तो FIIs के स्टैटिस्टिक्स अच्छे हैं नो डाउट। अब आइए जरा आप कॉल पुट के आंकड़ों पर। 8700 की कॉल 400,000 शेयर घटे, 8800 की कॉल 39,000 शेयर घटे, और 8900 की कॉल अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3,23,000 शेयर घटे। देखिए थोड़ा सा IVs का जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मैं आपको अगर बहुत सरल भाषा में समझाऊँ तो हुआ क्या ये कि थोड़ा बहुत मुनाफा समेटा गया कॉल्स में से और थोड़ी बहुत डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स में राइटिंग हुई। और एक आप चीज़ देखिए पुट्स में क्या हुआ, यानी बाजार को आज एक क्लियर कट मैंडेट चाहिए पॉलिसी से तभी ये आगे चलेगा। 8680 क्रिटिकल लेवल रहेगा। जरा पुट पे आइए, 8700 की पुट में 4,54,000 से जुड़े, एक बार पुट्स पे फिर आइए उसी सीरीज पे आइए जरा एक बार सीरीज क्लियरली अगर आप देखें एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करती है। 8700 की पुट में 4,54, 8600 की पुट में 2,90 और 8500 की पुट में 3,46। अगर आप कल पुट की आईवीज को देखें थोड़ी सी बड़ी हैं, दैट मीन्स, और अगर आप स्पेशली क्लाइंट के अकाउंट को देखें तो वहां पे लॉन्ग पुट्स बढ़ी हैं। यानी रजत कुल मिला के FIIs कंफर्टेबल है लेकिन क्लाइंट क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए उसके जरा फ्यूचर्स के शॉर्ट्स बढ़े हैं और साथ ही साथ उसने कल 8600 और 8500 की पुट सिक्योर करी है। तो इन सब स्टैटिस्टिक्स के बीच में आप IVs को देखिए, ऑप्शंस के आंकड़ों को देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए, बिहेवियर को देखिए चार्ट्स पे, मैं अपने लॉन्ग ट्रेड्स को होल्ड रखूंगा। आज पॉलिसी को देखूंगा, बहुत बारीकी से देखूंगा, शायद मैं अमूमन एक स्टॉप लॉस रखता 86-80 का, ना मैं वो नहीं रखूंगा आज, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रूम दूंगा, मैं ले आऊंगा 86-40 पर। इवेंट को देखूंगा, इवेंट अगर फेवर में रहा तो बाजार चलेगा, यकीनन चलेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस है ऐसे बाजार पे क्योंकि आज पॉलिसी है। तो क्या बैंकिंग स्टॉक्स पे कुछ मूवमेंट वही थे, देखिए कल 8730 के ऊपर बाजार निकलता लेकिन निफ्टी बैंक पे आइएगा जरा, मिस कर दिया इसने क्योंकि ये एग्जैक्टली वहीं से घूम गया जहां से इसे घूमना चाहिए था। इसने 19,050 यानी जुलाई के सीरीज को हाइक को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं की, ये घूम गया। मैं तो खैर मैं पूरे दिन मैंने 1% भी ध्यान नहीं दिया कि कल पॉलिसी है, यही एक कारण था कि घूम गया। आई थिंक ये इवेंट को ध्यान में रख रहा था रजत। याद रखिए अगर आपके पास निफ्टी ये बैंक लॉन्ग है तो 18800 के SL के साथ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, वो रखिए। और अगर इवेंट आपके फेवर में रहा, अगर ये ब्याज दरों को लेकर कटौती को लेकर अच्छा रोड मैप दिया RBI ने, तो याद रखिए 19,000 की कॉल प्लस करने में, रिस्क लेने में, या फिर 19,200 की कॉल प्लस करने में कोई हर्ज नहीं रजत। तो बाजार ठीक है, बहुत शक्शुबा इस पे जाहिर ना करिए लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ चलिए अपने यहाँ पर। लेकिन अविनाश जैसे भी बात हो रही थी इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में, बैंकिंग पे क्या करें आज, क्रेडिट पॉलिसी है, और जो जी बिजनेस ने पोल किया है बैंकर्स पोल, उसमें 85% बैंकर्स का मानना है कि स्टेटस क्यों मेंटेन होगा आज की पॉलिसी में। आपकी राय बैंकिंग स्टॉक्स पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि रजत आज डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में आपको वोलेटिलिटी तभी देखने को मिलेगी जब ही क्लियरली कमेंट्री गवर्नर साहब की क्लियरली डोविश होनी चाहिए, और हमको लग रहा है ये डोविश कमेंट्री रहेगी क्योंकि जिस प्रकार का मानसून का प्रोग्रेस है और जिस प्रकार के इन्फ्लेशन के आंकड़े अभी कम हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स जैसे प्राइवेट सेक्टर में येस बैंक है टिपिकली, अगर आप छोटे बैंकों में फेडरल बैंक देखें, ICICI बैंक देखें, तो ये डेफिनेटली इसमें अच्छा मूवमेंट आज भी
भी देखने को मिलेगा। पीएसयू बैंक्स में मुझे लग रहा है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी एसेट क्वालिटी का प्रेशर थोड़ा सा कम हो चुका है। बट आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मूवमेंट बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिला है, मेरे ख्याल से कॉमेंट्री अगर डॉविश होती है तो ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जैसे कल हमने देखा कि वहाँ पे कल काफी ट्रेजेक्ट्री काफी कंट्रोल थी, तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच, बट ओवरऑल डॉविश कॉमेंट्री आनी चाहिए। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर तो आज फोकस में रहेगा ही, खासतौर से एचडीएफसी और मैक्स के शेयर्स, मैक्स ग्रुप के शेयर्स, क्योंकि मर्जर अप्रूव हुआ है एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ का, तो कहीं ना कहीं मेगा मर्जर है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ बनती हुई नजर आएगी।